आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो खरगोन बस हादसा हुआ था उसके बाद मंत्री गए, कई लोग हताहत हो गए, मर गए, बड़ी वेदना अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। उसमें आपका बयान आया था कि सारे परिवार के लोगों का इलाज कराया जाएगा, आपके प्रभारी मंत्री भी वहां गए थे, उन्होंने भी कहा कि एक एक परिवार के साथी का इलाज कराना सरकार की जिम्मेवारी है, एक पैसा लगे या 10 लाख लगे हम लगाएंगे। अब मैं आपको एक परिवार की वेदना बताता हूँ। ये सरस्वती जी सोलंकी है, इनकी एक बेटी और उस बेटी की भी 15 साल की बेटी, दोनों इस हादसे में मर गई। इनका भाई की बेटी और उसके दो बच्चे, जिसका नाम था वर्षा, वर्षा और उसके दो बच्चे, एक बच्चा था 2 साल का और एक बेटी थी 6 महीने की, ये तीनों भी एक्सपायर हो गए। इनकी एक और बेटी थी साथ में इनके, रानू बड़ोले, जो अभी मेरे साथ है, आप इससे बात कर सकते हो। ये और ये इसकी स्थिति है, ये बंदी भी है, ये तो ये भी अपने आप में व्यथित है, वे परेशान है और दुखी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी माँ जिसकी स्पाइन की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना है, दर बदर भटक रही है। मैं इनके घर भी गया था, बहुत दयनीय झोपड़े में रहती है। इनके इलाज में डॉक्टर अधिकारी अलग अलग प्रकार के लोग परेशान है। अभी मैंने इनको सुपर स्पेशलिटी इंदौर के हॉस्पिटल में भेजा है डॉक्टरों से बात करके, पर इसका इलाज नहीं हो रहा है। आप हाथ जोड़ के आपके भाषण जो थे उसके अनुरूप इनका इलाज करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका झूठ जो बार बार आप बोलते हो उसमें फिर पकड़ में आते हो। आपका तंत्र, आपकी व्यवस्था कितनी लापरवाह है, इसका भी असर दिखता है। इतना बड़ा बस हादसा और उसके पीड़ित लोग, ये एक घटना मेरे सामने, ऐसी कई घटनाएं होगी। तो मेरा आपसे प्रार्थना है वीडियो के माध्यम से कि इस परिवार की रक्षा करें। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सरस्वती जी को आज मैं भर्ती कराया है, आप इस पर कृपा करके इनकी मदद करने का प्रशासन को अनुरोध करें, आज्ञा दें, आदेश दें। धन्यवाद।